दर्शकों, सफेद आग के पौधे का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, बच्चों को बुरी नजर से कैसे बचाएं? अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और उसे पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको जानने को मिलेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आप पर सदा बना रहेगा। सबसे पहले जानते हैं सफेद आंख का पौधा कहाँ पाया जाता है और कैसा होता है। वैसे तो अधिकतर यह शुष्क और ऊंची भूमि में देखने को मिलता है। सफेद आंख का पौधा आसानी से कहीं भी मिल सकता है। यह अधिकतर बंजर भूमि में पाया जाता है, जहां पर काफी समय से कोई कार्य नहीं हुआ हो। यह आवासीय कॉलोनियों के खाली भूखंडों में देखने को मिलता है। यहाँ से भी आप इसकी जड़ को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बीज गर्मी के समय हवा के साथ उड़ करके कहीं भी गिर जाते हैं और बरसात के समय पौधे का रूप ले लेते हैं। सफेद आंख का पौधा करीब 5 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते बरगद के पत्तों के समान मोटे होते हैं। सामान्य आंख के पत्ते हरे रंग के होते हैं, लेकिन सफेद आंख के पत्ते सफेद रंग के और बरगद के पत्ते के बराबर होते हैं। तंत्र शास्त्र में सफेद फूल वाले मदार का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके फल आम के जैसे दिखाई देते हैं, जिन पर सफेद रुई होती है और इनकी शाखाओं से दूध निकलता है। सफेद आंख के पौधे को गणपति जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगर किसी पुराने सफेद आंख के पौधे की जड़ों को खोदा जाए तो और उसकी जड़ में से अगर गणेश जी की प्रतिमा प्राप्त होती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इस प्रतिमा की पूजा करने से सारे दुखों का निवारण हो जाता है। जिस घर में ये प्रतिमा स्थापित की जाती है उस घर में रिद्धि सिद्धि और अन्नपूर्णा का भंडार हमेशा रहता है, साथ ही लक्ष्मी जी का निवास भी रहता है। पुराने समय में साधक मंत्र सिद्धि करके इस प्रतिमा को अपने पैसों वाली झोली में रखते थे और रखने के बाद जितने मुट्ठी में आए उतने पैसे निकाल लेते थे। ऐसा विश्वास किया जाता था कि उस झोली में से जितना धन निकाला जाएगा उतना ही धन दोबारा झोली में आ जाएगा। आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे तो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रवि पुष्य या गुरु पुष्य के दिन सुबह के समय आग की जड़ को विधि अनुसार निकाल कर साफ कर लें और इसे पानी के साथ पीस लें। फिर इस पेस्ट को रुई के साथ मिलाकर बत्ती बनाएं और उसे दीपक में डालकर काजल तैयार कर लें। इसके बाद इस काजल को गणपति जी के मूल मंत्र के साथ अपनी आंखों पर लगा लें। आप जिसको चाहेंगे उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए रवि पुष्य या गुरु पुष्य के दिन सफेद आंख के 11 फूलों की माला बनाकर बच्चे को पहनाने से नजर का कुप्रभाव अपने आप दूर हो जाएगा। इसके अलावा भूत प्रेत भय आदि बाधाओं से बच्चे को बचाए रखने के लिए सफेद आंख की जड़ को गणपति जी के मंत्र ओम गम गणपते नमः या ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः से 108 बार जाप करते हुए अभिमंत्रित करके बच्चे को गले में पहना दें। किसी भी प्रकार का डर बच्चे के निकट नहीं आएगा। आग के पौधे को अगर घर के द्वार पर लगा दिया जाए तो किसी भी टोटके का कोई असर नहीं होता। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहता है। आपके घर में बरकत होने लगेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा, साथ ही घर में धन यश और कीर्ति बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जड़ी बूटी लाते समय पीछे पलटकर कभी नहीं देखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी जड़ी बूटी या औषधि को प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही अगर जड़ी बूटियों को रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग या शनि पुष्य योग में लाया जाता है तो ये विशेष हितकारी होता है। दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।